दोस्तों आप सभी को इस टैच फिन की नई अपडेट के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर पर चलते हैं और गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर हम डालते हैं इस टैच फिन एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम डाल देते हैं। ठीक है सो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। सो देखो भाई, यहाँ पर इस टैच फिन एप्लीकेशन जैसे मैंने ओपन किया तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनके डैशबोर्ड में जैसे दिखाया गया है कि आपको 5 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। जी बिल्कुल सही है दोस्तों, इस टैच फिन जो एप्लीकेशन है वो आपको देती है 5 लाख रुपए तक की इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट। ठीक है, और यहाँ पर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। देखो अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो पर्सनल लोन ले सकते हैं, अगर आपको पर्सनल लोन कंपनी दे रही है तो पर्सनल लोन ले लीजिएगा, अगर आपको क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट दे रही है तो लाइन ऑफ क्रेडिट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑप्शन है दोस्तों, देखो मैं आपको बता दूँ कि पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब देखो जो आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है वो तो आपको यहाँ पर जो स्टैच फिन कंपनी है वो 30 दिन तक 0 ब्याज पे, मतलब आपसे कोई भी पैसा नहीं लेती है, 0 ब्याज पे यूज करने का मौका देती है। समझ गए, जैसा कि यहाँ पर आप इंटरप्रेस में देख रहे हो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जो आपकी लिमिट मिलेगी वो यहाँ पर शो कराई जाएगी टोटल लिमिट, एंड जो आप यूज करोगे वो यहाँ पर शो कराई जाएगी, और जो आपकी बची हुई लिमिट है वो यहाँ पर शो कराई जाएगी। ठीक है, और ये स्टैच फिन का ही है, और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि स्टैच फिन में काफ़ी लोगों को 20-25 हज़ार रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट मिली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, देखो रेटिंग की बात करें तो 3.7 की रेटिंग है, और यहाँ पर अगर हम लैंडिंग पार्टनर की बात करें तो अकारा कैपिटल एडवाइजर, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है फ्रेंड, अब ये जो कंपनी है ना जिसके बारे में मैं आज बता रहा हूँ, स्टैच फिन, ये एक RBI रजिस्टर्ड है NBFC कंपनी है। ठीक है, मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने डैशबोर्ड बताया कि जीरो इंटरेस्ट रेट फॉर अप टू 30 दिन। जी बिल्कुल सही है, अगर आपको यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट मिलती है तो 30 दिन तक यहाँ पर कोई भी आपको ब्याज नहीं देना होता है, और कुछ इस प्रकार डैशबोर्ड में आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। देखो पहले क्या था, जब स्टैच फिन मार्केट में आई थी तो धूम मचा रही थी, सभी बंदों को इंस्टेंट पर्सनल लोन एंड इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट दे रही थी, लेकिन अभी क्या है, स्टैच फिन ने एक थोड़ा सा अपने एप्लीकेशन के अंदर अपडेट मारा है जो मुझे बिल्कुल बेकार लगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टैच फिन ख़राब है, स्टैच फिन कंपनी जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट कंपनी है, RBI से रजिस्टर्ड है, NBFC कंपनी है, और बहुत सारे बंदे इस एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेके भी रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया यहाँ पर जो है ना मुझे इसका एक अपडेट बहुत ज़्यादा बेकार लगा जो कि 2024 में ही आया हुआ है। अब कौन सा वो अपडेट है, देखो यहाँ पर क्या है कि पहले हम जब अप्लाई करते थे लोन तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चार्ज वगैरह या फिर कोई भी एडवांस में पेमेंट वगैरह नहीं लेती थी, लेकिन अभी कंपनी ने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर 495 रुपया, ठीक है, 495 रुपया सर्विस फीस के रूप में कंपनी ने लेना चालू कर दिया। मतलब जैसे आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी वगैरह, बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन फीस भी कंपनी मांग रही है जो कि 495। ठीक है, आप ये जो 495 अगर आप पे करते हो तो कंपनी आपको लोन दिलवा देगी, अगर आप नहीं पे करते हो तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब एक बात और बताऊँगा यहाँ पर कि अगर आप 495 रुपया पे कर देते हो तो आपका 100% लोन मिलना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको 100% लोन नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या है, कंपनी बोल रही है 495 जो हम ले रहे हैं वो नॉन रिफंडेड है। एक बात और रखना कि जब भी आप लोन अप्लाई करने जाओगे तो आपसे 495 रुपये मांगेगी और वहाँ पर लिखा होगा नॉन रिफंडेड, मतलब ये 495 रिफंडेड नहीं होंगे, आपको लोन मिले अदरवाइज मत ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बता दूँ मैं दोस्तों कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप स्टैच फिन में अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज दोस्तों आपका 495 रुपये का चूना लग सकता है। ठीक है, सो मेरे भाई जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी और मार्केट में धूम मचा रही थी उस वक्त यहाँ पर कोई भी जो है सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अभी 495 रुपया कंपनी लेना स्टार्ट कर दी है। यही स्टैच फिन का अपडेट मुझे बेकार का लगा। आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएं। हालांकि ये जो अपडेट है कंपनी खा नहीं रही है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो है ना कंपनी कुछ काम या कुछ आपका काम करवाएगी, उस का जैसे आपका कुछ काम करवाती है तो अपना जो चार्ज है ना वो लेती है, और ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं जो चार्ज लेके पैसे देती है। जैसे कि अभी मैं आप बता दूं तो इंस्टा मनी एप्लीकेशन जो आपसे 199 रुपये का चार्ज लेती है लोन दिलाने का, तो ये भी लेती है 495 का। ठीक है,
तो बस मुझे यही बताना था कि अगर अब आप स्टैच फिन में अप्लाई करना चाहते हो तो भैया यहाँ पर 495 रुपये आपको देने होंगे, तब जा करके आपका लोन अप्रूव होगा या फिर कैंसिल होगा, आगे का रिक्वेस्ट तभी जाएगा, ठीक है, जब आप ये पेमेंट कर दोगे। ओके, तो आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। मेरे हिसाब से तो अपडेट महा बेकार है, आपके हिसाब से अपडेट कैसा है कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। सो मेरे भाई मुझे यही बताना था भैया, स्टैच फिन से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 495 रुपये का बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है। आपका क्या कहना है वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक